हर युवा अपने क्षमता वृद्धि लाने के लिए करने के लिए अपने अपने रुचि के अनुसार वो अलग-अलग विद्यालय के विश्वविद्यालय के तरफ से जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उससे उसका अवसर लाभ उठा सकते हैं। और इसमें बाहरी संस्था भी अगर कुछ युवा ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से दयनीय परिस्थिति में है तो उनकी भी वो लोग जहाँ तक संभव हो सकता है सहायता करते हैं। फिर हमारी एक नेशनल बहाई चैरिटेबल सोसाइटी भी है तो वो लोग भी शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो विषय को लेकर जहाँ तक संभव है वो लोग कुछ आर्थिक सहायता भी मुहैया कराते हैं। तो जैसे जैसे हमारे युवा बहाई रूही पाठ्यक्रम का अध्ययन भी करते हैं तो उनके पास उनको ये भी बाहर की दुनिया का और अपने को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो यही हमारी चर्चा हुई थी। कई आजकल तो बहुत सारे फील्ड्स हैं और सरकार ने भी नए नए नीति और उनकी जो योजनाएं हैं उसके संबंधित भी वो बारी बारी से प्रचार करते हैं ताकि देश के सभी नागरिक को ये अवसर मिले। खास करके युवाओं के लिए काफी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आइए इसी बात को यानी शैक्षिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से हमें देखना है कैसे हमारी क्षमता में हमें एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बाहरी शिक्षा में ही लीन रहे और बाहर में हमें रोजगार पाने के लिए काबिलियत ना हो। उद्देश्य यह है कि हमें अपने आप को ऐसे सक्षम बनाएं कि हम दोनों तरफ से एक संतुलित जीवन यथार्थ यापन कर सके। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जो आपने यहाँ दिया है ना बाहरी सिद्धांत, बाहरी हाँ सिद्धांतों पर स्थापित। बहाई सिद्धांतों पर स्थापित किए गए एक समुदाय के लिए शिक्षा की केंद्रीयता का यह अन्वेषण एक और अवलोकन के बिना अधूरा रहेगा। शोगी एफेंदी ने निरंतर उद्यम के माध्यम से बहाउल्लाह के भव्य प्रकटीकरण के महत्व की अधिक पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के महत्व पर बहुत जोर दिया है। असीमित संख्या में आत्माओं को प्रकटीकरण के जीवनदायिनी जल और ईश्वर के वचन के अक्षय अर्थ का क्रमबद्ध दर्शन कराने के उपकरण के रूप में प्रशिक्षण संस्थान का कोई सानी नहीं है, लेकिन प्रभु धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के मित्रों के प्रयास निश्चित रूप से संस्थान की प्रक्रिया में भागीदारी तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में किसी संस्थान की प्रभावशीलता का एक मजबूत संकेतक वह प्यास है जो उन लोगों के भीतर पैदा होती है जो बहाउल्लाह के प्रभु धर्म का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से भी जारी रखने के लिए, यह चाहे संस्थानों द्वारा बनाए गए औपचारिक स्थानों में हो या अधिक अनौपचारिक वातावरण में, इसकी सामग्री के साथ जुड़ते हैं। प्रकटीकरण के अध्ययन से परे मानव उद्यमों के अनगिनत क्षेत्रों के लिए शिक्षण के निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन ग्लोबल प्रोस्पेरिटी ISGP द्वारा आयोजित सेमिनारों में भागीदारी शिक्षा के एक रूप का उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसके माध्यम से युवा अनुयायी मानवता की प्रगति के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर बहाई दृष्टिकोण से बेहतर परिचित हो रहे हैं। प्रकटीकरण के महासागर की विशालता को देखते हुए यह स्पष्ट होगा कि इसकी गहराइयों की खोज सेवा के मार्ग पर चलने वाली प्रत्येक आत्मा का आजीवन कार्य है। जैसे जैसे विश्व के विभिन्न भागों में समाज की प्रगति के लिए प्रभु धर्म द्वारा किए जा रहे योगदान को अधिक से अधिक दृश्यता प्राप्त होती है, बहाई समुदाय को उन सिद्धांतों को समझने और मानवता द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर उनकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने के लिए अधिकाधिक आह्वान किया जाएगा। एक समुदाय का बौद्धिक जीवन जितना अधिक फलता फूलता और पनपता है, इस आह्वान का उत्तर देने की उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है।
यह बहावला के अनुयायियों पर निर्भर करेगा कि वे चिंतन जगत तथा कर्म जगत में मेल खाती आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से बौद्धिक दृढ़ता और विचारों को स्पष्टता प्रदान करें। हाँ, तो हम यहाँ थाम सकते हैं। धन्यवाद स्नेहा जी। साथीगण, ये साथीगण जो हम अभी तक अध्ययन करते आ रहे हैं, वो बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण हमारी प्रशिक्षण संस्थान का रोल रहा है हमारी ये शैक्षिक प्रक्रिया में को आगे ले जाने में। और हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे समुदाय में बच्चे, किशोर किशोरियां और युवा, उनके जीवन में एक बदलाव आता है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए शोगी एफेंदी के शब्दों को दोहराते हैं कि जितना गहराई से हम बहावला के प्रकटीकरण को समझ पाएंगे, उतना ही हमें लाभ पहुंचेगा और हम अपने आप को प्रभु धर्म के सेवा के राह में सक्षम बना पाएंगे। और इसी श्रृंखला में ISGP है, जो विशेष करके जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए ये एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये ऐसी संस्था है जो हमें समृद्धि, हम चाहते हैं ना एक बेहतर समाज का निर्माण हो, बेहतर समाज बनाए, तो उसमें बेहतर समाज का मतलब उसमें उसको उज्जवल भी बनाना है, आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूकता भी लाना है और फिर इसके साथ साथ उन्हें समृद्ध भी बनाना। तो इट इज द इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। तो इस विषय पर भी हमारे भाई राइटिंग्स में बहुत कुछ है। और अगर आपको एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण चाहिए तो विश्व न्याय मंदिर का एक पत्र है, 1 मार्च 2017, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व के जो परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति है, उस पर प्रकाश डाला है। तो लेकिन ये इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ISGP काफी समय से चल रहा है, कम से कम मुझे लगता है दूसरा या तीसरा जो 5 वर्षीय योजना था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011 से लेके 2016 वाला पहली बार। और फिर कितने 10 साल तो हो गए हैं कम से कम। और ये विशेष करके युवाओं के लिए है। तो ये भाग जो पूरा था हमारी जो शैक्षिक प्रक्रिया के संबंधित। और जैसे जैसे हमारे क्या है बौद्ध का विकास होगा, इंटेलेक्चुअल लाइफ, तो हमारे में संवाद के लिए भी बहुत अच्छी सीख होगी, जानकारी होगी। और हम अपने विचार को समाज में, जब अलग अलग गोष्ठियों में अगर हमें भाग लेने का अवसर मिलता है, तो हम बड़े स्पष्ट और अच्छे शब्दों के का उपयोग करते हुए हम अपने विचार साझा कर पाएंगे। क्योंकि हमें समाज क्या चाहता है, समाज ढूंढ रहा है, पूरे विश्व में लोग देखना चाहते हैं कि इतने दशकों से हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इतने सारे विकल्प, इतने सारे योजना, इतने प्रसिद्ध से प्रसिद्ध और विद्वान से विद्वान लोगों की बातों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे विश्व की जो समस्याएं हैं उसका तो कोई ढंग से समाधान नहीं हो रहा है। तो बहाइस कहते हैं कि बहाउल्ला ने हमें जो शिक्षाएं दी है वो अवश्य ही समाज को के समस्याओं का समाधान का विकल्प और तरीका बता दे सकता है। तो इसलिए समुदाय निर्माण, समाज निर्माण, ये शब्द बार बार विश्व न्याय मंदिर दोहरा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे मानव संसाधन उभर कर आते हैं और वो उनकी क्षमता में वृद्धि होती है, तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समाज की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को
बता सकेंगे, जागरूक कर पाएंगे। और हमारा सबसे पहले तो बहाई का दृष्टिकोण विश्वव्यापी है, फिर हमारे पास बहाउल्लाह के प्रकटीकरण की जो आध्यात्मिक शक्ति है, फिर इसके साथ साथ हमारे पास हर वक्त मार्गदर्शन हमें प्राप्त होते रहता है विश्व न्याय मंदिर के, तो पत्रों का तो गिनती हम कर ही नहीं सकते कितने। मुझे लगता है कि पिछले 58 साल लाखों की संख्या में होंगे, और हर पत्र हम जानते हैं कि विश्व न्याय मंदिर इस युग के इस अवतार बहाउल्लाह के इच्छा को प्रकट करते हैं। तो गाइडेंस, हमारे पास मार्गदर्शन का इतना बड़ा भंडार है, आज मैं भाग ले रहा था क्योंकि ये पहला फरवरी का पहला हफ्ता 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसको इंटरफेथ हार्मनी वीक घोषित किया गया है। तो मेरे एक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया, मैं भाग ले रहा था। तो आज का विषय जो रखा था कि आज के समय में इस्लाम का विश्व के लिए क्या योगदान है, और कैसे इस्लाम में भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो जिसका अगर सदुपयोग किया जाए तो हमारी समस्याओं के समाधान हो सकता है, यानी हमारे जो बहुत सारे जो क्या है सिचुएशन उसका उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, न्याय, तो एक के बाद एक वो लोग बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, लेकिन वास्तविकता से दूर थे वो। आज के प्रासंगिक वास्तविकता जो है उसके संदर्भ में अगर उन्हें कुछ प्रश्न किया जाए तो फिर वो उत्तर देने में असमर्थ होंगे, लेकिन चूंकि हमारे तो मित्रता और भाईचारे का एक माहौल था तो मैं सुन रहा था और चैट बॉक्स में अपने कुछ विचार भी साझा कर रहा था। फिर जैसे ये कार्यक्रम चल रहा था तो पता नहीं किसी हैकर ने पूरा कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया और फिर गलत शब्द बोलने लगे, तो फिर वो ऑर्गेनाइजर्स को उसको बंद करना पड़ा। लेकिन काफी 1 घंटे तो सुन पाए। तो साथीगण, हर क्षेत्र में इसके कल वाले मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया जिसमें एक से एक बड़े हिंदू स्कॉलर्स वो लोग कह रहे थे कि भारत की सारी समस्याओं के समाधान वेदों पे हमें जाना चाहिए, वेद में जो ज्ञान का भंडार है उसको हमें अगर लागू करें, और उसके साथ साथ वेदों के साथ साथ फिर वो उपनिषद और वेदांत आ जाता है, भगवत गीता को ले आते हैं, भागवतम को ले आते। तो कल मैं सुन रहा था बड़े बड़े हिंदू स्कॉलर्स के वो ये इन्फो क्यों है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये एक सरकारी संस्था है उनकी तरफ से था, तो बस मैं सुनते रहा। तो इस तरीके से क्रिश्चियन चर्च के तरफ से भी आप जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जाएंगे तो वो लोग भी कहेंगे कि पूरे विश्व के जितने भी बड़े से बड़े जो क्राइसिस है उसका समाधान का उपाय जीसस क्राइस्ट ने दिया है। तो ऐसे माहौल में अब हम बहाइज भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो जब तक हमारे जो समुदाय निर्माण का काम का एक ठोस आकार दिखाई नहीं देगा लोग संतुष्ट नहीं होंगे कि हमारे पास भी वो शक्ति है समाज को बेहतर बनाने के लिए। तो यही बात यहाँ भी दोहराई गई है, ये लोग देखना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में अवश्य ही जैसे जैसे हमारे आज के बहाई युवा बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के महासागर में गोता लगा के गहराई से
विषयों को समझकर मित्रों के साथ आदान प्रदान करेंगे तो फिर जरूर वो उनको भी ये भरोसा मिलेगा कि हाँ, इतने दशकों से, इतने सदियों से हम लोग ने अपने अपने तरीके से किया लेकिन सफल नहीं हुए, तो अब चलो बाहरी शिक्षाओं को लेते हैं। तो आइए हम इसी प्रपत्र को आगे और अध्ययन करते हुए बढ़ते हैं। तो साथीगण, लेकिन आपके कुछ विचार हो, आपका भी कुछ अनुभव हो तो आप जरूर सबके साथ आप साझा करें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं अटेंड करता हूं ताकि। डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रहे थे। जी जी हाँ, नहीं मैं बस पूछ रहा था कि हमारे हमारा इंटरनेट चला गया था। ओ अच्छा, आपका नहीं, मैं यही कह रहा था कि समाज में अलग अलग संस्थाओं की तरफ से भी, अलग अलग संस्थाओं की तरफ से भी बहुत ज्यादा विचार विमर्श, गोष्ठियां, सम्मेलन हो रहा है, जिसमें वो जानना, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस विश्व में इतने सारे जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और जो क्राइसिस, जो एक से एक बड़ी परिस्थितियों से, भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका विकल्प क्या है। तो आज मैं वो ही बता रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का हर वर्ष में फरवरी का जो पहला हफ्ता है वो एक इंटरफेथ हार्मनी वीक, हार्मनी होता है, यानी सर्वधर्म सद्भाव का। तो मेरे को एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था, तो आज का जो विषय था कि इस्लाम और विश्व, तो इस्लाम की तरफ से विश्व के जो भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, समस्याएं हैं, उसके समाधान के क्या विकल्प है, क्या उपाय है। तो मैं सुन रहा था, उसमें कई युवा भी थे, वो लोग बता रहे थे। इसी तरीके से परसों मैं एक और प्रोग्राम में था जिसमें सरकार का ये एक संस्था है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, में वो इस्लाम में क्या बताया कि ऑर्गेनाइजर को बंद करना पड़ा, वो नहीं। हाँ हाँ, वो बात। हाँ नहीं, जैसे ये कार्यक्रम चल रहा था लगभग, तो बीच में एक्चुअली ये जूम मीटिंग्स को हैक भी किया जा सकता है, अगर कोई हैकर्स होते हैं ना तो वो हैक कर लेते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज, जिनका वो, जिन्होंने इसको आयोजित किया है, वो लोग फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बाहर से लोग गलत बातें करने लगते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। अभी कुछ दिन पहले एक और ऐसा हुआ था ऑस्ट्रियन एम्बेसी की तरफ से, क्योंकि हर साल 27 जनवरी होलोकास्ट डे बनाया जाता है, यानी 60 लाख जो यहूदी हिटलर के रेजिम ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से खत्म किया, उसको होलोकास्ट डे कहते हैं। तो ऑस्ट्रियन एम्बेसी से भी हुआ था, और जैसे कार्यक्रम चल रहा था तो लगभग 45 मिनट हुए थे और किसी ने उसको हैक कर दिया और पूरा एकदम, तो फिर ऑर्गेनाइजर्स को बंद करना पड़ा। तो ये हैकिंग हुआ था, तो फिर तो इससे भी डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ता है, ये बात बता रहा। तो विश्व जानना चाहते हैं, अगर बहाइयों के पास हमारे समस्याओं के समाधान के विकल्प है, तो हम अगर अपने समुदाय के माध्यम से उन्हें ठोस उदाहरण और प्रमाण दिखा सकें, तो वो और बड़ी संख्या में बहाउल्लाह की, बहाई धर्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो यही हम चाहते हैं, और आने वाले 9 वर्षीय योजना में हम देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत जो 5000 क्लस्टर्स है उसमें विशेष करके जो तीसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुके क्लस्टर है, उनका दायित्व आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो आइए अब हम एक और भाग में जा रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कौन
कंटिन्यू करते हैं अंकल जी। हाँ कंटिन्यू करें जी, आप कौन पढ़ना चाहेंगे? सभी स्तरों पर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना। 80 वर्ष पूर्व संरक्षक की ओर से लिखे गए एक पत्र में बहाई प्रशासन को वह पहला आकार जो भविष्य में सामाजिक जीवन और सामुदायिक जीवन का नियम होगा बताया गया था। आज रचनात्मक युग की दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में बहाई प्रशासन का आकार काफी विकसित हो चुका है और इसका निरंतर विकास प्रभुधर्म की समाज निर्माण शक्ति को निर्मुक्त करने के लिए आवश्यक होगा। जमीनी स्तर पर प्रभुधर्म का प्रशासन निश्चित रूप से स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के विकास के साथ अतरंगता से जुड़ा हुआ है। शोगी एफेंदी ने न्याय के इन नवजात मंदिरों का वर्णन बहाई समाज के प्रमुख स्नायुओं के साथ साथ इसके प्रशासनिक ढांचे की अंतिम नींव के रूप में किया है और वह उनकी रचना के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। 1995 में हमने उस प्रथा को फिर से स्थापित करने का आह्वान किया जिसमें सभी स्थानीय सभाओं को नवगठित होने वाली सभाएं भी वर्ष के किसी अन्य समय के स्थान पर रिजवान के पहले दिन चुना जाना था। यह बदलाव इस तथ्य से संबंधित था कि जहां एक स्थान से बाहर के अनुयायी चुनावी प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं किसी भी सभा को चुनने और उसके संचालन को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी उस जगह के बहाइयों की होती है। प्रशासनिक गतिविधि करने के लिए बहुत कुछ उनकी तत्परता पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि जब शिक्षाओं पर आधारित गतिविधि का एक पैटर्न वहां रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों के बीच स्थापित हो जाता है तो किस प्रकार बहाई पहचान की भावना एक स्थान में धीरे धीरे शक्ति प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार जब तक स्थानीय सभा का गठन संभव हो पाता है तब तक समुदाय निर्माण के प्रयासों के संबंध में एक समुदाय बहुधा एक निश्चित स्तर की क्षमता प्राप्त कर चुका होता है। जैसे जैसे यह बिंदु निकट आता है और इसमें अनावश्यक रूप से देरी नहीं की जानी चाहिए, बहाई प्रशासन से जुड़े सामुदायिक जीवन के औपचारिक पहलुओं की सराहना का भाव उत्पन्न करने के प्रयास करने होंगे। ऐसे परिवेश में उभरने वाली स्थानीय सभा को एक जीवन समुदाय को बनाए रखने में मदद करने वाली उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और सशक्त करने की अपनी जिम्मेदारी के बारे में भली भांति अवगत होने की संभावना है। यद्यपि इसे अन्य बहु प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में भी दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और आपके सहायक मंडल सदस्यों और उनके सहायकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता बेहद महत्वपूर्ण होगी। आपके 2010 के सम्मेलन के हमारे संदेश में हमने ऐसी सभा के विकास पथ का वर्णन किया है और हमने इसके कामकाज के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसमें स्थानीय कोष के प्रबंधन और विकास की क्षमता और उचित समय पर सामाजिक क्रिया की पहल का समर्थन करना और स्थानीय सरकार और नागरिक समाज की एजेंसियों के साथ सहभागिता करना शामिल है। ऐसी सभा द्वारा सेवा दिए जा रहे समुदाय को होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ धन्यवाद। तो साथीगण अब जो नया भाग जो शुरू हुआ है ये है हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं। जैसे शुरू से ही विश्व न्याय मंदिर ने हमें हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि समाज में तीन नायक हैं, व्यक्ति, संस्था और समुदाय। तो इस भाग में हम देखेंगे कि किस तरीके से विश्व न्याय मंदिर संस्थाओं के क्षमता वृद्धि के लिए और उसमें जो मित्रगण सेवा दे रहे हैं उनकी दक्षता में वृद्धि के लिए हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रिय संरक्षक शोगी एफेंदी ने अपने पूरे जद्दोजहद किया तब जाके बहाउल्लाह की प्रशासनिक व्यवस्था का नींव रखा गया, क्योंकि बहाउल्लाह की प्रशासनिक व्यवस्था का वो स्रोत किताबे अकदस और अब्दुल बहा की वसीयत, अंतिम इच्छा पत्र वसीयत है।
और इसीलिए उन्होंने अब्दुल बहा की वसीयत को अपना जो एक अधिकार पत्र के रूप में भी हमारे को परिचय दिया कि इट इज द सेकंड चार्टर, द चार्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। और फिर शोकी एफेंदी के कुछ रचनाओं में से कुछ शब्द दोहराते हुए विश्वनाथ मंदिर बता रहे हैं। और ये विशेष करके ये सारा जो गद्यांश है, स्थानीय आध्यात्मिक सभा का रोल, का जो दायित्व, जो उनकी जो जिम्मेवारियां हैं आने वाले 9 वर्षीय योजना में भी काफी बढ़ेगी। और हम जानते हैं कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का नींव, फाउंडेशन तो स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं। और एक समय था, विशेष करके ये 1995 का बात कह रहे हैं, उस एक समय था जब हम कोई भी गांव या विशेष करके गांव में या छोटे शहर में अगर 9 या 9 से 15 बहाई अगर हो जाते थे, ग्रुप्स ऑफ 15 बिलीवर्स, तो हम लोग एक स्थानीय आध्यात्मिक सभा का गठन करते थे। और उस समय वर्ष में कोई भी समय आप कर सकते। फिर एक और था समय जब विश्वनाथ मंदिर ने कहा कि खाली रिजवान के जो 12 दिन है उसमें से अगर कोई भी एक दिन पे अगर करने की संभावना हो तो करें। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब रिजवान के पहले दिन ही करना चाहिए। तो ये बात को भी ध्यान में रखते हुए विश्वनाथ मंदिर कहते हैं कि अब तो हर जगह जहां पर भी जो भी बहाई समुदाय है, रिजवान के पहले दिन हम लोग स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की स्थापना करते हैं। उसका जो स्थापित करने के लिए जो प्रतिक्रिया है, निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। और फिर रिजवान के ही दिनों में राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा का भी के भी सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रतिनिधियों की तरफ से। तो ये हम भली भांति अच्छी तरीके से परिचित हैं इन विषय से। तो हाउस ऑफ जस्टिस चाहते हैं, और इसमें क्योंकि ये प्रपत्र सलाहकारों को भेंट किया गया है तो सलाहकारों को ही कहा जा रहा है कि आप और आपके जो सहायक मंडल सदस्य और उनके सहायक हैं, उनकी उनका रोल, उनकी सेवा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी स्थानीय आध्यात्मिक सभा है जो इतनी सक्षम नहीं है। हालांकि स्थानीय आध्यात्मिक सभा की स्थापना हो जाती है तो इस पर विशेष करके एक सक्षम और एक अनुभवी स्थानीय आध्यात्मिक सभा के जो कार्य क्षेत्र है उसमें एक तो पूरे समुदाय के का आध्यात्मिक नेतृत्व करना, फिर स्थानीय आध्यात्मिक सभा की बैठकें भी निरंतर अच्छी तरीके से हो, फिर स्थानीय आध्यात्मिक सभा मित्रों को जो भी सेवाएं दी जाती है और जो विकास होता है उसकी भी रिपोर्ट्स वगैरह भेंट करते हैं, फिर एक स्थानीय कोष होता है तो, और फिर स्थानीय आध्यात्मिक सभा ही सामाजिक क्रिया के लिए भी पहल कर सकते हैं। और खास करके कुछ गांव के इलाके में भी देखा गया है कुछ स्थानीय आध्यात्मिक सभा काफी सफल रहे हैं। गांव के जो पंचायत है या पंचायत के जो मुखिया है उनके साथ आदान प्रदान करने का, या वहाँ के जो क्षेत्रीय सरकार के जो अधिकार पदाधिकारी हैं और बाहरी दुनिया में अपनी सेवाओं को सेवाओं से लोगों को परिचित करने के लिए भी वो लोग आदान प्रदान करते हैं। तो इस विषय से भी हमारे पास, और अभी पिछले 2 साल में कई स्थानीय आध्यात्मिक सभा पूरे देश में काफी सफल रहे हैं। कोरोना महामारी जो समस्या है
उसका सामना करने के लिए और बहुत सारे मित्रगण सेवा भी दी। दिल्ली का हमारे पास उदाहरण है, हम लोग ने तो मैंने बताया भी है कि बहुत सारे परिवारों को हमने जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही थी, राशन उनको नहीं मिल रहा था, तो उनको हम लोग ने राशन भी मुहैया कराया। फिर बहुत कुछ परिवारों को ऑनलाइन सिस्टम का पता नहीं था कि टोकन कैसे लिया जाए, कुछ लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं था, आधार नहीं था, लेकिन सरकार ने कहा हम हर परिवार को मुफ्त में राशन देना चाहेंगे। तो फिर इस तरीके से, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवार जिन जहाँ जहाँ जिनके सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उनकी भी सहायता के लिए हम लोग ने काफी पहल किया और बहुत सफलताएं मिली। फिर हमारे स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने एक अलग से कोष भी बनाया, तो उससे भी कई परिवार जो बेरोजगार हो गए थे, उनके डेली वेजर्स, तो उनकी भी हम लोग ने कुछ समय के लिए सहायता की। फिर कुछ लोगों को हमारे बाहरी डॉक्टर्स के साथ आदान प्रदान करने का मौका दिया। कुछ परिवार के सदस्यों को हॉस्पिटल अभी भर्ती करने के लिए सहायता की। तो इस तरीके से कुछ क्षेत्र में वहाँ के लोग स्थानीय आध्यात्मिक सभा का काफी आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारे बहुत निस्वार्थ भाव के साथ अपनी सेवा देते रहे। तो साथीगण, आप अपना अपना अनुभव भी बांट सकते हैं जयपुर का, या यहाँ पर हमारे साथीगण जो अलग अलग भोपाल, इंदौर, फरीदाबाद, आप लोग अपने कुछ विचार साझा करना चाहें। मैडम यामिनी, आप टाइम हो गया है। हाँ, टाइम होने आ रहा है, लेकिन अभी एक दो एक मिनट का। हाँ नहीं, आप सोचिए, हम लोग अगली बार भी चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बिहार का एक बहुत ही अच्छा अनुभव सुना था, अभी बिहार का कोई होगा तो पता होगा, क्योंकि मुझे उस गांव का या नाम याद नहीं। वो एक अलौली एक, हाँ वो मैंने पढ़ा भी था, एक 19 डे फीस राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के सहभोज पत्र।